जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनी हुई आलू की मसालेदार कचौड़ियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन कचौड़ियों को आप 4-5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें मसाला भूनकर भरते हैं, इसलिए ये खराब नहीं होती। और इन्हें बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें से स्टफिंग निकलने का भी डर नहीं रहता। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें, लेकिन बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आलू की मिनी कचौड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 कप मैदा, और जितनी मैंने मैदा लिया है उसका 1/4 यानी कि 1/4 कप मैंने सूजी लिया है। मैदा और सूजी को एक बड़े बाउल में कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका डो लगाना है। और इसके बाद में हम इसमें 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। मैं 1/2 टीस्पून से भी कुछ कम नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हम स्टफिंग में भी नमक डालेंगे। और इन सब चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे। अगर आप खाली मैदे की कचौड़ी बना रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी के साथ भी डो लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें सूजी डाली है और सूजी को फूलने के लिए हमें गर्म पानी की जरूरत होगी। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय हम सिर्फ डो को इकट्ठा करेंगे और उसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। इतने हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। और स्टफिंग के लिए लिए हैं मैंने ये 4 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने उबालकर छील लिया है। और आप कचौड़ी के लिए या पराठों के लिए जब भी आलू उबाले उन्हें ओवरकुक ना करें। आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू कद्दूकस हो चुके हैं, अब गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। इस समय आप बहुत कम ऑयल का यूज करें। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके अंदर हम 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और इसे फूटने देंगे। 1 पिंच हींग डाल देंगे। और अब हमने ये जो आलू कद्दूकस किए करके रखे थे वो भी मिक्स कर देंगे। 1 पिंच हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून सौंफ डाल देंगे जिसे दरदरा पीसा हुआ है। और इन सब चीजों को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने ये हरा धनिया लिया है, जिसे कि मैंने सुखा के रख रखा है। और आप अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। भूनते हुए आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आप कचौड़ियों को ज्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं, यानी आप इसे 3 से 4 दिन तक रखना चाहते हैं, तो आप मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूने, वरना आलू खराब हो जाएगा और हमारी कचौड़ियां भी खराब हो जाएंगी। डो को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं और डो भी अच्छे से रेस्ट हो गया है। बस एक बार फ्लैट सरफेस पे लेके हम इसे हल्का सा मसल लेंगे। इस डो को हम बहुत ज्यादा नहीं मसलेंगे और इसके बिल्कुल छोटी छोटी हम लोइयां तोड़ लेंगे, एक छोटे नींबू के साइज की, सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी। और ये सब पेड़े मैंने तोड़कर तैयार कर लिए हैं और स्टफिंग भी हमारी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसके भी हम जितने बड़े बड़े हमने इसके गोले बनाए हैं, इतने बड़े बड़े हम इसके गोले बना लेंगे। और ये पेड़ भी हमारे बनकर तैयार हैं। बस अब एक एक लोहा हम लेते जाएंगे, फ्लैट सरफेस पर रखकर हम उसे थोड़ा सा बेल लेंगे, सिर्फ 2 इंच का व्यास। बहुत ज्यादा बड़ा बेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना। और जो हमने ये मसाले का पेड़ा बनाया था इस तरीके से इसमें स्टफ करेंगे और बीच से सील करते हुए हमें उसे सिर्फ एक राउंड शेप देनी है। और हमारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से कचौड़ी बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़े ना तोड़े, एकदम छोटे साइज के। और जितना आपने मैदा का पेड़ा लिया है उतना ही बड़ा आप आलू का पेड़ा ले। बस इस तरीके से प्रेस कर देंगे किनारे उठाते हुए, अच्छे से सील कर देंगे। और सील करना बहुत जरूरी है, वरना कचौड़ी ऑयल में जाके फट जाएगी। और वापस से राउंड कर देंगे और बस हमारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। और ऑयल को भी मैंने गरम कर लिया है, मीडियम गरम ऑयल में ही हम ये कचौड़ियां सेकेंगे।
इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई फ्लेम की जरूरत नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं और देखिए, बस इतना ही गरम ऑयल हमें चाहिए। अब एक एक करके हम इसमें ये कचौड़ियां डाल देंगे। और डालने के बाद नीचे से ऑयल उठाएंगे, कचौड़ियों के ऊपर डाल देंगे, जिससे कचौड़ियां अच्छे से फूल जाएंगी। और एकदम हल्के हाथ से हम कचौड़ियों को हिला देंगे। कचौड़ियों को हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक सेकेंगे, जिससे कचौड़ियां अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी। मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने कचौड़ियों को करीब 4-5 मिनट तक सेक लिया है और आप देख सकते हैं कि इन पे अच्छा कलर आ चुका है और एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। बस अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और निकालने से पहले बस इस तरीके से थोड़ी देर जाली पर रखेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। और सेम प्रोसेस से ही हम बाकी की कचौड़ियां भी सेक लेंगे। हमारे थोड़े से अलग डिजाइन वाली और बहुत ही टेस्टी ये आलू की कचौड़ियां बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने एक और चैनल बनाया है, माहेश्वरी रसोई इंग्लिश। अगर आप मेरी रेसिपी इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप वहां विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी ओकेजन के लिए बनाने के लिए ये आलू की मिनी साइज कचौड़ियां एकदम परफेक्ट है। आप इन्हें पार्टी में बना सकते हैं, किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हरे धनिये की चटनी, टमाटर सॉस, आलू की सब्जी या दही, किसी के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये सब तरह से खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करें।